हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ टॉप फिल्टर में फ्लोराइड कम करके DII मेथड से दिखाऊंगा। और इसके लिए चाहिए आपको एक PVC पाइप जो कि हाफ इंच का मैं ले आया हूँ हार्डवेयर शॉप से, और इसमें एक आम लेयर बंद पाइप जो कि पानी बाहर ना जाए, और चाहिए दो एल साइज पाइप जो कि हम स्टॉप फिल्टर भी यूज़ करेंगे, और एक ब्लेड भी चाहिए, और जो दूसरा चाहिए जो फैब्रिक्विक इसमें भी हम भी यूज़ करेंगे। और इसके लिए आपके टूल बॉक्स और एक नेट चाहिए जो जाली आप किसी भी शॉप से या किसी भी चीज़ से ले सकते हो। और इसके लिए चाहिए एक टॉप फिल्टर। ये टॉप फिल्टर मेरा पहले का है, ये मैं इस टॉप फिल्टर में यूज़ करूँगा फ्रेंड्स। और ये टॉप फिल्टर मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि जो मैं गोल्ड फिश लाया हूँ, जो एक्सोटिक गोल्ड फिश, आप नहीं देख रहे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। जो मैं गोल्ड फिश का अनबॉक्सिंग का वीडियो है वो आप देख सकते हो। इसके लिए मैं ये टॉप फिल्टर बना रहा हूँ क्योंकि ये फिल्टर में जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं। इसके लिए आपको एक पोजिशन में जो भी आपका टैंक का साइज है उसका साइज में आपको ये काट करना पड़ेगा। तो मैं ये मेज़रमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद ही उसको काट लेंगे यहाँ पर। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका बहुत ही हेल्प होगा। और इस वीडियो देखते देखते मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक एंड शेयर भी कर देना, नीचे दिए हुए बेल का आइकन को दबा देना जो कि मेरा द्वारा जो भी वीडियो मैं पहले फिश का रिलेटेड अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम उसको काट लेते हैं कुछ इस तरह। और फ्रेंड्स, ये प्लांटेड टैंक में भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपका बजट कम हो तो आप कैनिस्टर फिल्टर नहीं ले सकते हो। ये टॉप फिल्टर आप प्लांटेड टैंक में यूज़ कर सकते हो, और जो भी फ्लोरेट कम वाले फिश हो उसमें भी आप यूज़ कर सकते हो। तो हो गया, अब हम उसका मेज़रमेंट लेके दूसरे जो एल है उसमें ऐड कर लेंगे ऊपर के साइड में कुछ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह ऊपर के साइड में, और एक पाइप उसका जो मेज़रमेंट आप टैंक में लीजिए जो कि आपका वाटर का लेवल कितना है, और आपका मेज़रमेंट लेके उसमें भी एक पाइप ऐड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं काट लेता हूँ। तो देखिए अब हम उसमें क्या करेंगे, और एक जो टी है वो भी आप ऐड कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह, और उसका जो टी है उसके ऊपर हम लगा देंगे। देखिए इस तरह, और इसके सामने आप क्या करेंगे जो कि एक पाइप बिठाएंगे उसके ऊपर होल्ड कर देंगे, और OS स्प्रे बार हो जाएगा। तो अब हम उसका जो टैंक का साइज है उसके माप लेके उसको काट देंगे, और उसके ऊपर होल्ड करके उसको एक स्प्रे बार बनाएंगे जो कि कैनिस्टर की तरह ही होगा, और फिल्टर के फ्लो भी कम हो जाएगा। तो चलिए अब हम उसको काट लेते हैं उसकी मेज़रमेंट लेके, टैंक का जो कि आपका टैंक का साइज है उसकी मेज़रमेंट लेके उसको काट देंगे। तो अब हम फैब्रिक्विक से उसको सील कर दे रहे हैं जो कि आप सामने साइड से लगाएंगे और सील कर देंगे। देखिए कुछ फ्रेंड्स, इस तरह उसको लगा देंगे, और उसके ऊपर जो मैंने जो पाइप दिखाया था आपको दूसरी साइड में वो भी अब हम लगा देंगे। देखिए थोड़ा सीधा करके लगाइए, नहीं तो साइड में हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा फ्रेंड्स। तो अब हम उसको लगा देंगे सामने की तरफ से, और उसके ही सामने एक पाइप लेके उसको स्प्रे बार कर देंगे जो कि ऊपर में फ्लो होगा। देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह, और उसके सामने आप हम स्प्रे बार को मेज़रमेंट करके उसके साइज़ के अनुसार उसको काट देंगे। तो अब हम इस पाइप को ड्रिल से होल करके उसमें स्प्रे बार कर देंगे, और उसके सामने एक जो पाइप मैंने लाया था वो भी मैं लगा दूंगा जो बंद पाइप, और उसमें होल करके स्प्रे बार में कर देंगे फ्रेंड्स कुछ इस तरह, आप देखते रहिए। तो अब हम होल कर देंगे ड्रिल से, देखिए कुछ इस तरह लग रहा है देखने में, और उसमें होल कर देंगे स्प्रे बार में हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम
उसको होल करके ले आए हैं और उसको हम क्लीन कर देंगे। क्लीन करके उसमें लगा देंगे और उसके बाद ये स्प्रे बार में हो जाएगा फ्रेंड्स, कुछ इस तरह। तो फ्रेंड चलिए अब हम जो फिल्टर का बॉक्स है उसको भी हम रेडी कर लेते हैं। जो कि मैंने एक लिया है, एक पाइप जो सामने साइड में बिठाऊंगा होल करके, उसमें से पानी जो आएगा और नीचे टैंक में जाएगा, आउटलेट होगा, और इसका इनलेट मैं दूसरे साइड में दूंगा जो कि टॉप फिल्टर से आएगा। तो चलिए मैं उसका साइज़ का अनुसार उसका माफ करके होल कर दूंगा। और फ्रेंड्स और दूसरे साइड मेरा जो पाइप आएगा उसको भी बिठा दूंगा। और इस देखिए फ्रेंड्स अब हम उसको होल कर दिए और उसके बाहर ये पाइप बिठा दूंगा जो कि फिल्टर होके उसमें से ही पानी नीचे टैंक में जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि जो उसको थोड़ा ऊपर ही बैठाएंगे जो कि पानी थोड़ा रहना चाहिए जो कि फिल्ट्रेशन के लिए और फिश के लिए बहुत ही अच्छा होगा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया बनेगा। जो कि उसके नीचे मैं सरामिक क्लिनिंग दूंगा और ये नेट बैठा दूंगा जो कि ऐसा ही होगा। देखिए मैं एक दिखा रहा हूँ आपको, एक पाइप दे के उसके ही ऊपर मैं ये नेट बिछाऊँगा, नेट दे दूँगा। तो अब हम जो एक पीवीसी पाइप है उसको उसका मेजरमेंट लेके उसको काट देंगे जो कि मेरा जो फिल्टर से पानी आएगा टैंक में से वो फिल्टर होके नीचे जाएगा, इसमें थोड़ा होल करके और इसका मेजरमेंट लेके उसको काट देंगे। तो चलिए अब हम काट देते हैं। मैंने कुछ सरामिक रिंग ले लिया है जो बॉक्स में कुछ इस तरह बिठाया है, उसके ऊपर मैं नेट दे के और स्पॉन्ज को बिठा दूंगा कुछ फ्रेंड्स इस तरह। और इसमें आप लबाडॉक या और भी जो केमिकल मीडिया आता है वो आप दे सकते हैं आपके अनुसार, जो भी आपके पास है अवेलेबल है आप ये दे सकते हो। मेरा पास सरामिक रिंग था, ये मैंने दे दिया हो। और फ्रेंड्स कुछ इस तरह मेरा टॉप फिल्टर मैंने बहुत ही चीप तरीके से रेडी कर लिया है, जो कि आप प्लांटेड टैंक के लिए या जो भी कोल्ड फिश टैंक है इसके लिए आप ये टॉप फिल्टर बना सकते हैं DI मेथड से। तो अब हम जो पाइप है उसको बिठा देंगे, इसके साइड में थोड़ा काट के उसको बिठा देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हो गया मेरा टॉप फिल्टर रेडी हो गया, तो टैंक में लगा के आपको दिखाऊंगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स मेरा जो गोल्ड फिश का टैंक है उसमें अब हम बिठा देंगे, जो पहले वाला खाया उसको हटा के ये फिल्टर बिठा देंगे। तो चलिए इस साइड को मैं इसी साइड लगाऊंगा, देखिए कुछ इस तरह उसको हम बिठा देंगे। और उसका जो पाइप है साइड में उसमें इस बॉक्स में लगा देंगे, देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह, और हो जाएगा आपका टॉप फिल्टर बहुत ही चिप तरीका से। और ये जो सक्शन कप है उसको भी हम साइड में लगा देंगे, जो कि ये आपका बहुत ही अच्छे तरीके से बैठेगा और थोड़ा ऊपर नीचे नहीं होगा। और बॉक्स को भी हम बिठा देंगे, देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह। ये मैंने जो मेरा बॉक्स है फिल्टर बॉक्स
उसको मैं पाइप से अटैच कर दिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपका कोई भी हेल्प होगा तो मेरे चैनल को एक लाइक कर देना, मेरे वीडियोज़ को एक लाइक कर देना। एंड आई होप एंजॉय योर फुल वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में दूसरा कोई टॉपिक लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।